हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है वो एरिया हाई लेवल के ऊपर हो, ठीक है, और जो सॉरी जो है एरिया जो है पानी का जो सोर्स है वो हाई लेवल पे हो और पानी सप्लाई करनी है आपको लो लेइंग एरिया के अंदर हो। तो इससे क्या होगा आपके कि जो है पानी जो है ग्रेविटी के द्वारा वो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके मैंने बताया कि जो एरिया है, जैसे लेक है, आपके लेक है या पानी का सोर्स है, रिवर है, रिजर्वायर है, ये अगर हायर लेवल पे हो, ठीक है, और आपको पानी सप्लाई करना है लो लेइंग एरिया के अंदर है, ठीक है, जिसका लेवल कम हो, तो उस टाइम के अंदर हम जो है ग्रेविटेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होता है, पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये मोस्ट रिलायबल सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए कि वाटर का सोर्स ही यहाँ पे है, ग्रेविटी सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको पंप हाउस लगा हुआ है, यहाँ आपके क्लियर वाटर है और यहाँ पे आपको यहाँ इस जगह पे आपको पानी को सप्लाई करना है। इट मीन्स आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक आपको जो है बहुत पंप लगभग नहीं करने की आवश्यकता होती है और सिंपल यहाँ पे स्टोर करने के बाद में आप ग्रेविटी द्वारा फ्लो मतलब सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेविटी सिस्टम कहलाता है। पंपिंग सिस्टम के अंदर जो है, पंपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एरिया ये वाला एरिया है वो क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर प्रेशर के द्वारा भाई पंप के द्वारा जो है हम जो है मेंस वाटर मेन या सब मेन होते हैं उसके अंदर वाटर को फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है ये जो है रेट है वो इस सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू डिमांड कंट्रोल नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ में एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि अपन को पंपिंग करना पड़ता है और अगर मान लीजिए कि पंप फेल हो गया तो ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अगर पानी की जैसे फायर वगैरह लग गई तो उस वक्त भी जो है पंपिंग के द्वारा जो हम सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर जो है वो नहीं ले पाएंगे जब तक कि आपके पास में पंपिंग यूनिट है वो सफिशिएंट कैपेसिटी का नहीं होता है, ठीक है। तो पंपिंग सिस्टम के अंदर जो है आपको प्रॉपर रूप से पंप का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे आपके 100 100 वाटर है, ठीक है। अब सोर्स ये वाला आपको एरिया है तो यहाँ पे क्या है, सिंपल ग्रेविटी द्वारा फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे और फिर इसके बाद में करने पड़े। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि दोनों का कम्बिनेशन होता है, आप ग्रेविटी सिस्टम और ये पंपिंग सिस्टम है, इन दोनों का जो फीचर्स है उनको शामिल करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ग्रेविटी के द्वारा फ्लो होता है और फिर जब सबमेन के अंदर होता है तो हम जो है पंप के द्वारा जो हम सबमेन के अंदर वाटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एज इन दिस सिस्टम वाटर कम फ्रॉम टू सोर्स, वन फ्रॉम रिजर्वायर एंड सेकेंड फ्रॉम पंपिंग स्टेशन, इट इज़ कॉल्ड ड्यूल सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है वो मोर रिलायबल और इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म जो है रेट ऑफ पंपिंग भी मेंटेन हो सकती है और डिमांड जो है उसको भी हम प्रॉपर रूप से सेटिस्फाई कर सकते हैं और फायर ब्रेक हो जाती है तब भी हम जो है पानी को हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। जब भी हम जो है पंप पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो स्टोर करने के बाद में ही हम जो है डिस्ट्रीब्यूट पानी का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डायरेक्ट जो है हमको उसको पंपिंग ज़्यादा पंपिंग ना करने, यानी कि रेट को कांस्टेंट बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की को हम क्या करते हैं कि ये रिजर्वायर वगैरह है वो है कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर के अंदर है, ये आपके एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर है, ठीक है। तो ये जनरली जो है इसके जो है ये हाइट के ऊपर होते हैं, ठीक है, ये आपके हैं, ये आपके इसकी स्टैंड है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है इसका एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर का, कि एक तो ये लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है और ये अपीयरेंस में भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, और ओवरऑल ये इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रकार ये आपके जो है आरसीसी के बन सकते हैं, ठीक है, कई जगह आपके स्टील के भी बने हुए होते हैं। इसके अंदर आपको इनलेट आउटलेट ड्रेन पाइप ओवरफ्लो पाइप वाटर लेवल इंडिकेटर मेन हॉल लेडर वेंटिलेटिंग पाइप लाइटिंग
कंडक्टर, ये सब एसेसरी जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पे साफ करने के लिए यहाँ पे क्या है कि बालकोन भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी जो है विड्थ होती है वो 6200 सेंटीमीटर वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर वाटर को स्टोर करना है आपको, तो ये आपके एलिवेटेड रिजर्वायर काम आते हैं, ठीक है। सरफेस रिजर्वायर जो है वो आपके जो है जनरली जो है क्लियर वाटर जो होता है, जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर भी सेम है, ये आरसीसी के बन सकते हैं, ठीक है, या आपके स्टील के बन सकते हैं, यहाँ स्लेब होती है, यहाँ वेंट पाइप वगैरह इसके लगे होते हैं, या इनलेट है, ठीक है, इनलेट इसके अंदर आएगा, फिर इसके वाटर लेवल इंडिकेटर लगे रहते हैं, और ये आउटलेट है, ठीक है। तो ये आपके अंडरग्राउंड है, ये आपके ऐसे बने चाहिए कि ये जो है अगर एम्प्टी है तो लेटरल थ्रस्ट को भी सहन करना होना चाहिए इसको, और अगर भरा हुआ है तो वाटर प्रेशर। तो इसका मतलब है कि इसकी डिज़ाइन ऐसे प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए ताकि ये फेलियर ना हो इसके अंदर, ठीक है। और साथ साथ के अंदर एरिएशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सेप्टिक टैंक के रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आप प्रॉपर रूप से एरिएशन भी इसका करना है, तो आपको वेंटिलेटर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद के अंदर आपके स्टैंड पाइप है जो कि ग्राउंड से अबव होते हैं, ठीक है। ये जो है जनरली जो है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसकी हाइट जो है 15 से 30 मीटर होती है, ठीक है, और डायमीटर जो है आप 10 से 15 होते हैं। तो ये भी स्टोरेज करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स के वो सेम एसेसरी लगी रहती है, आपके स्टील के पाइप है, आपके इनलेट है, आउटलेट है, ठीक है। तो ये आपके जो है स्टैंड पाइप जो है ये आपके काम में आता है, ठीक है। थैंक यू। ये सब रेफरेंसेस है जिसको आप रेफर कर सकते हैं।